हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरी वीडियो आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप इस वीडियो की शुरुआत करता हूं और आपको ये बताता हूं इस वीडियो में कि कुछ मैं आपको क्या नया बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक बैकअप सॉफ्टवेयर के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमें बैकअप मैनुअली लेने में कितना प्रॉब्लम आता है, तो फ्रेंड्स मैं ऑटोमेटिक बैकअप का एक सॉफ्टवेयर, वो भी बिल्कुल फ्री, जो अगर आपके स्मॉल कोई छोटा ऑफिस है या कोई आपका पर्सनल सिस्टम है उसमें भी आप ऑटो बैकअप का ये यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के रिगार्डिंग यह वीडियो होने वाला है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूं उस सॉफ्टवेयर का। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है कोवाइन सॉफ्टवेयर, कोवाइन बैकअप सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, मैं जाता हूं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस सॉफ्टवेयर को आपको डिटेल से समझाता हूं। फ्रेंड्स, सेकंड मैं आपको यह बताने वाला हूं कि उसमें कौन सा डाटा आप बैकअप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, आपके सिस्टम में कोई भी डाटा हो, चाहे वीडियो हो, ऑडियो हो या आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उसको वहां से वो एक तरह से कंप्रेस कर उसे जिप फाइल में कन्वर्ट कर अगर आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिप फाइल को वो प्रोटेक्ट भी कर देगा और आप उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन, जो आप उसको लोकेशन बताओगे उसी लोकेशन पर आपका वो डाटा सेव कर देगा। फ्रेंड्स, सबसे अच्छा बात इसमें यह भी है कि आप उसको जब ऑटोमेटिक बैकअप पे डालोगे तो वो मतलब जितना आपको बैकअप रखना है, मतलब एक दिन, दो दिन, तीन दिन का बैकअप, वो डे वाइज उस बैकअप को सेव करेगा। तो फ्रेंड्स, कितना अच्छा है। तो फ्रेंड्स, मैं चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है और कहां से आपको उसको डाउनलोड करना है वो सारा मैं इसमें बताने वाला हूं। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। मैंने गूगल पर सर्च किया है, देखते हैं, यह आ गया www.cobinesoft.com। फ्रेंड्स, यह इसकी साइट है, ओरिजिनल, उसी से डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये डाउनलोड के लिए ये ओपन पेज हो गया है, हम इसको इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड्स करने के लिए इसमें डाउनलोड्स का ये ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड इट हेयर पर, इस पर अपन को क्लिक करना है और क्लिक करके अपन इसमें डाउनलोड कर देंगे। तो मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन, फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद जो मेरे पास ऑप्शन आया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और यह ऑप्शन आया है, इसके बाद मुझे इस पर क्लिक करना है और कौन से इसमें विंडोज में सपोर्ट करेगा वो भी आपको देखना है। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, इस पर यह डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करना है। यह विंडो एक्सपी 2003, विस्टा 2008, 7, विंडो 8 और विंडो 10 जो लेटेस्ट चल रही है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास विंडो 10 है और मुझे यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यह डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पहले से डाउनलोड किया हुआ है, इसके बाद मुझे करना है इसको इंस्टॉल और इंस्टॉल करने के लिए बिल्कुल ही सिंपल है। तो मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूं और डबल क्लिक करने के बाद यह हो रहा है इंस्टॉल और इसको इंस्टॉल को मैं होने देता हूं। और ये पूछ रहा है कि लैंग्वेज, तो इंग्लिश, तो नेक्स्ट कर दिया। एक्सेप्ट कंडीशन पे इसकी जो कंडीशन है उसको हमें एक्सेप्ट कर देना है और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यह डोमेन नेम वगैरह मांग रहा है तो हम इसमें लोकल सिस्टम अकाउंट डाल देंगे, क्योंकि हम मेरा एक ही सिस्टम है और इसी के अंदर हमें करना है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, यस और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। 30 सेकंड के बाद यह स्टार्ट हो गया है और अब यह 5 सेकंड के लिए टाइम मांग रहा है। तो इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो उसके बाद हमें इस 3 ऑप्शन का देखना है, इसमें डन वाला जो ऑप्शन आएगा उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये इंस्टॉल हो गया है और इंस्टॉल होने के बाद जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है, यह इसका बिल्कुल जो सॉफ्टवेयर का है वो पूरा बैकग्राउंड आपको दिख रहा है। और उसके बाद हमें फर्स्ट इस पे जाना है, प्लस न्यू टास्क क्रेडिट करना है, उसी के बाद हमें बैकअप स्टार्ट हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका बैकअप डाउन, जो भी बैकअप है उसको आपको जिस टास्क का नाम देना है, तो जैसे मैं टास्क दे देता हूँ, मेरा चैनल का नाम A1 ग्रो, और उसके बाद ये इसमें हमें सेकंड ऑप्शन पे डालना है इनेबल, ये सब कुछ आपको देख लेना है अपने सिस्टम के अनुसार। तो मुझे यही चाहिए और फुल चाहिए। उसके बाद फाइल पे लोकेशन फाइल में, फ्रेंड्स यह लोकेशन वो लोकेशन है जहाँ से हमें डाटा का बैकअप लेना है। तो मुझे डाटा का बैकअप लेना है माई पीसी,
और पीसी में जो मेरा ई ड्राइव में डाटा है, चैनल का कौन सा है, ये एक्सल स्टडी के नाम से है, ये पूरा का बैकअप चाहिए, तो ओके कर देता हूँ। और मुझे कौन से लोकेशन पे इसे करना है, तो मुझे इसके अपने डेस्कटॉप पे चाहिए, आप क्योंकि वन ड्राइव को मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं वन ड्राइव के लोकेशन पे भी डाल सकता हूँ, तो मैं वन ड्राइव के लोकेशन पे आपके लिए बता देता हूँ, वन ड्राइव मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इसमें, हाँ अपडेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर को ओके कर देता हूँ। उसके बाद शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब आपको किस टाइम पे बैकअप लेना है, तो मेरा टाइम हो रहा है 18:47, तो मैं इसमें 18 डाल देता हूँ 18, और टाइमिंग डाल देता हूँ 49। और इसके बाद मैं सेकंड डायमेंड, इसके बाद आपको इसका कितना कॉपी चाहिए, मुझे एक महीने का डाटा बैकअप रखना है तो एक महीने का, जैसे आज का बैकअप हो गया उसके बाद कल का, या फिर मुझे एक ही रखना है, मतलब आज का बैकअप हो गया तो कल का डिलीट हो जाए, तो मुझे तीन कॉपी रखना है, मतलब तीन दिन का होना चाहिए क्योंकि तीन दिन पहले का भी मैं देख सकता हूँ, तो मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद कंप्रेस, आपको जिप फाइल में चाहिए तो जिप फाइल में आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको पासवर्ड वगैरह चाहिए तो यह भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। फिल्टर मतलब कोई भी डाटा जिसका आप बैकअप नहीं लेना चाहते, उस फाइल को आप फिल्टर भी इसमें कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ सेटिंग्स हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। डोमेन वगैरह मतलब कोई अदर यूजर है, जैसे आपने शेयरिंग वगैरह डाटा किया हुआ है तो उसके लिए है। तो उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ, और ओके करने के बाद ये मेरा स्टार्ट हो गया। फ्रेंड्स अब मैं वेट करता हूँ, अभी मेरे पास 48 का टाइम हुआ है और 49 तक मैं वेट करता हूँ। और मैंने डाटा कहाँ डाला है उसका लोकेशन आपको मैं पहले बता देता हूँ 49 होने से पहले। तो मैं गया अपने डेस्कटॉप पर और 49 वो डाटा हो रहा होगा और बैकअप या तो हो गया, चेक करते हैं, ये बैकअप स्टार्ट हो गया और बैकअप डन। फ्रेंड्स जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे साइड में एक मैसेज आया था कि आपका बैकअप डन हो गया है, देखते हैं कहाँ हुआ है। फ्रेंड्स मेरा बैकअप मुझे यहाँ मिल गया है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं देखता हूँ कि इसमें यह डाटा आया है या नहीं, और इसको एक्सट्रैक्ट पे क्लिक किया और तो देखा तो जो मेरा डाटा उसमें था फोल्डर में वो सारा आ गया है। फ्रेंड्स ये सारा डाटा था एक्सेल का जो मेरा वर्किंग था, तो और मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जिसमें मेरा ये डाटा था, वो था ई ड्राइव में एक्सेल स्टडी में, सेम वही डाटा है फ्रेंड्स, वो मेरा एफ ड्राइव में आ गया ऑटोमेटिक बैकअप के थ्रू, और जो मैंने वन ड्राइव इंस्टॉल किया हुआ है वन ड्राइव के थ्रू मेरे इंटरनेट पे भी ये डाटा चला गया। देखो इसमें ये स्टेटस आ रहा है कि ये अपलोड हो रहा है डाटा, और मैं यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ, ये रहा इसमें मेरा इतना स्पीड आ रहा है। फ्रेंड्स कितना आसान है बैकअप लेना, बैकअप से फ्रेंड्स मैं आपको दूसरा ये आपको बताने वाला हूँ कि बैकअप से क्या क्या फ़ायदे हैं। फ्रेंड्स मान चलो ये डाटा का आपने आज इवनिंग में बैकअप ले लिया, उसके बाद कोई आपके सिस्टम को छेड़छाड़ करे या उस बैकअप को डिलीट कर दे तो भी आपको वो डाटा मिल जाएगा, क्योंकि आपका वन ड्राइव पे भी सेम है और वहाँ भी सेम है। उसके अलावा कुछ चेंजेज भी कर दे तो आप कल वाला डाटा को रिकवर करके देख सकते हो कि मेरा डाटा में क्या चेंजेज हुए हैं। फ्रेंड्स दूसरा कुछ वायरस वगैरह आ जाए तो वो डाटा भी आपका सेफ रहेगा, क्योंकि वो डाटा जिप फाइल में कन्वर्टेड है। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो फ्रेंड्स मैं आपको अपना चैनल का लुक आपको दिखा देता हूं, और उसके बाद मेरा फेसबुक चैनल भी है, आप उसको मेरे ले जाके भी लाइक शेयर कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स अगर आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, तो फ्रेंड्स ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।